क्या शिवसेना के बाद एनसीपी बिखरने जा रही है? ये सवाल अब महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में गूंजने लगा है। एनसीपी के सीनियर नेता अजीत पवार को लेकर कहा जा रहा है कि वो अपने चाचा और पार्टी मुखिया शरद पवार से बगावत करके बीजेपी के साथ जा सकते हैं। हालांकि शरद पवार ने ऐसे सवालों पर सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बीजेपी के साथ जाने को आत्महत्या करने जैसा जरूर बता दिया। ऐसे में कहा जा रहा है कि शरद पवार डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं और पार्टी के नेताओं को साध रहे हैं, लेकिन उनकी कवायद बेकार होती दिख रही है। अंदर खाने से जानकारी मिल रही है कि 30 से 34 विधायक अजीत पवार के समर्थन में हैं। इन लोगों की तरफ से अजीत पवार को बीजेपी के साथ जाने की हरी झंडी भी दिखा दी गई है। इन नेताओं में प्रफुल्ल पटेल का नाम भी शामिल है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने इसका विरोध किया है। इससे पहले सोमवार को एनसीपी विधायक अन्ना बसोंडे और माणिक राव कोकाटे ने कहा था कि वो अजीत पवार के साथ रहेंगे, भले ही वो किसी के भी साथ जाने का फैसला लें। एनसीपी के टूटने को लेकर कयास शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सूले के एक बयान से भी तेज हुई है। सुप्रिया सूले का कहना है कि अगले 15 दिनों में दिल्ली और महाराष्ट्र की राजनीति में दो बड़े विस्फोट होंगे। वहीं छगन भुजबल जैसे सीनियर नेताओं ने भी भाजपा के साथ जाने का समर्थन किया है। खबर है कि अजीत पवार गुट फिलहाल शरद पवार को मनाने में जुटा है, लेकिन अब तक वो राजी नहीं हुए हैं। ऐसे में अगर सीनियर पवार राजी नहीं हुए तो अजीत पवार खेला कर सकते हैं। अजीत पवार की एनसीपी के गठबंधन में बड़ी पकड़ मानी जाती है। एनसीपी के एक अन्य विधायक ने कहा है कि अजीत पवार के अलावा कोई भी सरकार को अच्छे से नहीं चला सकता। अगर अजीत पवार भाजपा के साथ जाते हैं तो बहुत से विधायक साथ होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।